फोर्स हमने पढ़ा कि जी फोर्स क्या होता है, कि ऐसी चीज, एक ऐसी चीज होती है फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को या शेप को चेंज कर देती है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फोर्स लगा तो आप चलने लग जाएगी, मोशन में आ जाएगी, या मोशन पे फोर्स लगाओ तो रेस्ट हो जाएगा, या उसका शेप चेंज कर देता है। इसकी काफी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ब्रीफ किया था। उसके बाद हमने फोर्स के बारे में मजीद कुछ बातें पढ़ी थी, कि जी फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास को आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता चल जाएगा कितनी फोर्स चाहिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, असर होता है डायरेक्शन का, इसको भी मैंने आपको बकायदा डायग्राम के जरिए समझाया था। फिर फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा यूनिट है इसलिए हम स्क्वायर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन क्यों है जी? क्योंकि न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम किया फोर्स पर, इसीलिए इसी के नाम से फोर्स का यूनिट है। सर आइजैक न्यूटन थे, 1687 के अंदर इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने तीन लॉज जो है वो लिखे थे। वो तीनों लॉज का ताल्लुक जो है वो फोर्स से है, और उन लॉज को हम कंबाइनली कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉ उसमें से जो था वो आपको दरअसल फोर्स के बारे में बताता है कि व्हाट इज फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या है जी? कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो वो रुका रहेगा, या एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो चलता रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल कंटिन्यू एट रेस्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट विल कंटिन्यू। यानी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में ही रहेगा, अनलेस फोर्स इज सप्लाइड, जब तक आप फोर्स न लगा दो। क्योंकि हमने अभी फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि जैसे ही आप फोर्स लगाओगे स्टेट चेंज हो जाती है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट। इस बात से आपको, इस लॉ से आपको बहुत सारी बातें पता चलती है। पहली पहली बात ये पता चलती है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट में रहता है, दुनिया की कोई भी चीज उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ एक चीज है जो उसकी स्टेट को चेंज कर सकती है, जो रेस्ट को मोशन, मोशन को रेस्ट में ला सकती है, वो क्या है? वो फोर्स है। यानी इस लॉ की मदद मतलब से आपको फोर्स पता चला कि फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज स्टेट। फोर्स एक ऐसी चीज है जो स्टेट को चेंज कर देती है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में ले आती है। फिर इस लॉ से अब हम यहाँ से जरा पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो हमने यहाँ तक रिवाइज किया है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया था विद एग्जाम्पल। अब इस लॉ के कुछ फायदे मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इस लॉ से आपको फोर्स की डेफिनेशन पता चले, क्योंकि ये लॉ क्या है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में रहेगा। बाहर एक चीज है दुनिया में फोर्स, जब आप वो लगाओगे वो तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है फोर्स क्या हो गया? फोर्स एक ऐसी चीज हो गई जो स्टेट को चेंज कर देती है। फोर्स चेंजेस स्टेट, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में जाती है। तो एक तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का इंट्रोडक्शन मिल जाता है, फोर्स का डेफिनेशन मिलती है। इसी तरह इस लॉ को ना, फर्स्ट लॉ को हम अक्सर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये अक्सर आपके पास पेपर में ऐसे आता है, डिफाइंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या बाजू का ऐसे भी लिखा हुआ आता है डिफाइंड लॉ ऑफ इनर्शिया। आप कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सर इसी को ही आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लॉ की मदद से हमको इनर्शिया की डेफिनेशन पता चलती है। जैसे इस लॉ की मदद से आपको फोर्स के बारे में पता चला, इसको आप लॉ ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, इसी वजह से इसका लॉ ऑफ मोशन नाम। इसी तरीके से इस लॉ की मदद से हमें इनर्शिया की जो है डेफिनेशन पता चलती है। अब ये इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच यू विच इट रेसिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट में होती है, पहली बात, हर ऑब्जेक्ट में होती है। और इनर्शिया कोशिश करती है, इनर्शिया खासियत है बॉडी की, और इनर्शिया कोशिश करेगी कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। फोर्स की अपोजिट हो गई, फोर्स क्या करती है? स्टेट चेंज करने की कोशिश करती है, और इनर्शिया कोशिश करती है कि ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहे। फड्डा होता है इनका। यानी मिसाल के तौर पे एक गाड़ी रुकी हुई है, बिल्कुल रुकी हुई है रेस्ट में, कल तो गाड़ी का इनर्शिया होगा वो कोशिश करेगा गाड़ी रेस्ट में ही रहे, वो रुकी रहे। और जब आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स कोशिश करेगी गाड़ी की स्टेट चेंज हो जाए, गाड़ी मोशन में आ जाए। तो ये फड्डा हो जाता है इन दोनों का। एक चीज रोकने की, एक चीज मोशन में कोशिश कर रही है रहे गाड़ी, एक चाह रही है कि जो है वो गाड़ी मोशन में आ जाए। तब वो फिर मुकाबला होता है, जो जीत जाता है उस हिसाब से एक्शन हो जाता है। अगर आप कम फोर्स लगा रहे होगे तो इनर्शिया ज्यादा होती है, फोर्स कम होती है, इनर्शिया जीत जाती है, गाड़ी रुकी रहती है। आप ज्यादा फोर्स लगा देते हो तो आप फोर्स ज्यादा हो गई, इनर्शिया कम हो गई, तो आप फोर्स जीत जाएगी और आपकी गाड़ी चलना शुरू कर देगी।
इसी तरीके से आपके पास एक अलमारी है जी, बहुत भारी भरकम अलमारी आपके पास रखी है। अब उस अलमारी का जो इनर्शिया होगा वो कोशिश करेगा ये रेस्ट में रहे, क्योंकि अलमारी रेस्ट में रुकी हुई है, तो अब इनर्शिया कोशिश करेगा कि अलमारी जो है वो रेस्ट में रहे। अब आपने फोर्स लगाना शुरू करी, फोर्स क्या कोशिश करेगी, स्टेट चेंज करने की, यानी फोर्स मोशन में लाने की कोशिश करेगी। तो अब इनर्शिया कोशिश कर रही है रुकी रहे, फोर्स कोशिश कर रही है मोशन में आए, फोर्स कम होगी, इनर्शिया जीत गई, अलमारी रुकी रहेगी, और फोर्स आपने ज्यादा कर दी, इनर्शिया हार गई, अब फोर्स जो है आपकी अलमारी को मूव करना शुरू कर देगी। तो अपोजिट है ये, इनर्शिया जो है फोर्स की अपोजिट हो गई, फोर्स कोशिश करती है स्टेट चेंज हो, इनर्शिया कोशिश करती है स्टेट चेंज ना हो। ठीक है, दोनों का आपस में फड्डा होता है, जो जीत जाता है उस हिसाब से ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है। अगर इनर्शिया जीत रही होती है तो ऑब्जेक्ट रुकी भी होगी, अगर तो रुका हुआ रहेगा, और अगर फोर्स जीत जाएगी तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट चेंज हो जाएगा। अब इनर्शिया के कुछ प्रूफ देते हैं हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू। अक्सर आपने ये दूसरी वाली डायग्राम को देखेगा जिसमें गाड़ी के अंदर से ये बंदर डिस्को डांस करता हुआ भाग रहा है ना, इस डायग्राम को देखिएगा। अक्सर आपने देखा है इस डायग्राम में भी आप देख लेगा कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी होती है जी मोशन के अंदर, एकदम से हमारे सामने अगर कोई दीवार आ जाती है और गाड़ी जो उस दीवार से टकरा जाती है, जिसको आप सादा जबान में कहते हो एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन आप आगे बढ़ जाते हो और आप शीशा वीशा तोड़ के आगे बाहर निकल आते हो, जिसको आप एक्सीडेंट कहते हो। अक्सर हमने देखा है कि गाड़ी चल रही है जी, आपने एकदम ब्रेक लगा दिया तो आप एकदम आगे की तरफ झुकते हो, या गाड़ी चल रही है एकदम आपकी गाड़ी किसी दीवार से, किसी खंबे से, किसी दरख्त से टकरा गई, तो आप गाड़ी के साथ साथ, गाड़ी तो रुक गई चलो आपकी, लेकिन आप नहीं रुकते, आप आगे ही बढ़ जाते हो और शीशा तोड़ के बाहर निकल आते हो। क्यों? इनर्शिया की वजह से। अब देखो, जब गाड़ी चल रही थी, जब गाड़ी मोशन में थी, हम अपने आप की बात करें तो हम भी मोशन में थे, गाड़ी चल रही है जाहिर बात है मैं भी चल रहा हूँ उसके साथ साथ, तो अब मैं क्या हूँ, मैं किसी स्टेट में हूँ, मैं हूँ स्टेट ऑफ मोशन। अब मेरी बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो कोशिश करेगा मैं मोशन में रहूं। अचानक गाड़ी आपने रोक दी तो इस दीवार से टक्कर खाई, गाड़ी अचानक रुक गई, लेकिन इनर्शिया क्या करेगा, कोशिश करेगा, मैंने बताया ना इनर्शिया कोशिश करेगा कि मैं मोशन में रहूं, तो इस इनर्शिया की वजह से मैं मोशन में ही रहा और मैं गाड़ी का शीशा तोड़ के आगे निकल गया। समझ आई बात? ये गाड़ी आपकी स्टेट ऑफ मोशन में थी, जिसकी वजह से आप गाड़ी में बैठे हुए थे, आप भी स्टेट ऑफ मोशन में थे, गाड़ी टकरा के तो रुक गई, गाड़ी तो रुक गई, बट आपके जो बॉडी का इनर्शिया था वो कोशिश करेगा कि आप स्टेट ऑफ मोशन में रहो, और इस वजह से आप देखो स्टेट ऑफ मोशन में ही हो, इनर्शिया की वजह से आप आगे गए। यही मामला हम बस के अंदर भी देखते हैं, हम बस में खड़े हुए होते हैं, बस रुकी हुई है, मैं भी रुका हूँ, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ, एकदम बस चलने लग गई। अब जब एकदम बस चलने लग गई, मेरा इनर्शिया बॉडी का, मैं चूंकि स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ तो इनर्शिया मेरी बॉडी की क्या कोशिश करेगी, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में रहूँ, लेकिन चूंकि मैं बस से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे पैर बस के साथ साथ मूव करने लग गए आगे, तो मुझमें ऐसे झटका आता है, मैं पीछे की तरफ झुकता हूँ। यही मामला होता है कि अगर आपकी बस जा रही है या गाड़ी जा रही है, एकदम से आप ब्रेक लगा दो, आप आगे की तरफ झुकते हो। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही है, आप भी मोशन में हो, आप भी हरकत में हो, आप मोशन के अंदर हो। अब आप मोशन में हो, आपका इनर्शिया कुछ करेगा, आप मोशन के अंदर ही रहो, इस स्टेट में रहो। एकदम आपने जैसी ब्रेक लगा दिया तो अब आपकी गाड़ी रुक गई, आपकी गाड़ी से पैर जुड़ा हुआ था, आपका पैर भी रुक गया, लेकिन आपकी जो बॉडी का ऊपर का हिस्सा था वो इनर्शिया की वजह से अपना मोशन कंटिन्यू रखा और वो आगे की तरफ चला गया, जिसको आप कहते हो जर्क लग गया, झटका लग गया। ये इनर्शिया की एग्जाम्पल्स हैं सारी। तो इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया बॉडी की वो खासियत है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है कि जिस स्टेट में भी वो है वो उसी स्टेट में रहे। तो ये जो इनर्शिया की डेफिनेशन है और इनर्शिया का सारा कॉन्सेप्ट है, ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही की मदद से पता चल रहा है। तो इसलिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये हो गया पहली लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ न्यूटन का, जिसने आपको इनर्शिया के बारे में बताया, फोर्स के बारे में बताया, इससे आपको फोर्स पता चल गई कि फोर्स क्या होती है, इससे आपको इनर्शिया पता चल गया इनर्शिया क्या होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होता है, और उतना ही ज्यादा जो उसका जब इनर्शिया होगा तो आपको उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसके इनर्शिया को हराने के लिए। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी प्लेट है, अब उसका मास कम है लिहाजा उसका इनर्शिया कम है, आप थोड़ी सी फोर्स लगा के इनर्शिया को हरा दोगे और उसकी स्टेट को चेंज कर दोगे। लेकिन एक बहुत बड़ा जहाज है, पानी का जहाज, अब उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसके इनर्शिया को हरा कर उसकी स्टेट चेंज करने के लिए।
तो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होता है। तो ये हो गया जी पहला लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। पहले लॉ की मदद से सर आइजैक न्यूटन ने आपको ना सिर्फ फोर्स का तारुफ दिया, समझाया कि फोर्स क्या होती है, और आपको इनर्शिया के बारे में बताया कि इनर्शिया क्या होती है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर सर आइजैक न्यूटन फोर्स की और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करते हैं, और ज्यादा। अभी इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, ये तो पता चल गया कि फोर्स क्या है, स्टेट चेंज करने वाली चीज है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देती है। इतना इंट्रोडक्शन पहले लॉ से मिल गया मुझको। अब सेकेंड लॉ की मदद से सर आइजैक न्यूटन मुझे फोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी, काफी बड़ी स्टेटमेंट है। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करोगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन आपको याद होगा पिछले चैप्टर का टर्म है, रफ्तार में तब्दीली को कहते हो। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स अप्लाई करोगे तो रफ्तार में तब्दीली होगी, जिसको आप एक्सेलरेशन कहते हो। तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो। मैं अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब आप जानते हो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन। याद रखिएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सर आइजैक न्यूटन फोर्स के बारे में और बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया, तो चूंकि फर्स्ट लॉ में आपको समझ में आ गया व्हाट इज फोर्स, नाउ सर आइजैक न्यूटन ने कोशिश की सेकंड लॉ के जरिए हमें फोर्स के बारे में मजीद डिटेल देने की। क्या डिटेल है जी, शुरू का पॉइंट पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दी ओन डायरेक्शन, इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करोगे, एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन फोर्स से डायरेक्टली हो, फोर्स जैसी हो। उसके बाद दूसरा हिस्सा देखें, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो काफी बड़ी स्टेटमेंट है। हम क्या करते हैं जी, हम इस स्टेटमेंट को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। अब तो पहली लाइन थी, पहली लाइन क्या थी, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। उर्दू में, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, एक्सेलरेशन पैदा होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। अब इसकी एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। ये एक गाड़ी थी, ये एक गाड़ी है जी, आपकी ये गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। ये सपोज करें आपने गाड़ी को रोका, ये वाली गाड़ी, पहली वाली गाड़ी की, मैं ये पॉइंटर इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अब अगर आपने इस, ये गाड़ी इस तरफ चल रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस एरो की मदद से आप देख लें कि ये गाड़ी जो है चल रही है। अगर आप सेम डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करो, सेम डायरेक्शन पे, तो सपोज करो क्या होगा। मैंने तो आपको शुरू में भी बताया था, और मैंने आपको कहा भी था कि ये दो चार पॉइंट जहन में रख लिएगा कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे मोशन बढ़ता है। साइकिल की एग्जाम्पल दी थी, मोशन बढ़ता है और जो है रफ्तार बढ़ जाती है, एक्सेलरेशन प्लस में आता है। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो मोशन कम होता है, रफ्तार कम हो जाती है। सपोज करें पहले पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये इस गाड़ी है, सपोज करो रुकी थी। अब आपने इस पर फोर्स अप्लाई करी, फोर्स क्या करेगी, इसकी स्टेट को चेंज करेगी। तो ये रुकी हुई थी, ये आ जाएगी मोशन के अंदर, चलना शुरू कर देगी। अब जब रुकी हुई थी, इसकी रफ्तार कितनी होगी, जीरो। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो रफ्तार होती है जीरो। जैसे आपने फोर्स अप्लाई करी, ये चलने लग गया, अब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ भी, एक दो तीन, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब है ना, फोर्स जैसे आपने लगाई, रफ्तार में तब्दीली आ गई, जीरो से रफ्तार बढ़ गई, बढ़ गई ना रफ्तार, और रफ्तार की चेंज को आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो जैसे ही आपने सब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, गाड़ी पर फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन पैदा हो गई। ये अगर गाड़ी चल रही है, आपने उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो गाड़ी को रोकेगी फोर्स, और रोकेगी का मतलब क्या है, रफ्तार कम हो जाएगी। रफ्तार कम होने का मतलब क्या है, वही एक्सेलरेशन। तो जब भी आप चलती हुई गाड़ी पर फोर्स लगाओ, रुकी हुई गाड़ी पर फोर्स लगाओ, हम क्या देख रहे हैं, फोर्स लगने से रफ्तार में फर्क आता है। अगर गाड़ी सीधे हाथ पे जा रही है और मैं सीधे हाथ पे फोर्स लगाऊंगा, रफ्तार बढ़ेगी, इट इज स्टिल एक्सेलरेशन। अगर गाड़ी सीधे हाथ पे जा रही है लेकिन मैं उल्टे हाथ पे फोर्स लगाता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो गाड़ी रुकेगी, स्टिल एक्सेलरेशन, अब भी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव।
तो ये पहली बात हो गई, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, रफ्तार में तब्दीली आ जाती है, या तो रफ्तार बढ़ती है या कम होती है, रफ्तार में तब्दीली आ जाती है, और रफ्तार की तब्दीली को आप एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दूसरा पॉइंट क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज सेम, यानी जो एक्सेलरेशन की, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर आपने फोर्स ऐसे लगाई है टूवर्ड्स द राइट, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर आप उल्टी फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उलट यानी इनवर्ट होगी। ये दूसरी बात बताई मैंने। तो अब तक दो बातें बताई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। पहली कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो रुका हुआ हो चाहे वो मोशन में हो, जैसे आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे उसकी रफ्तार में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। रफ्तार या तो बढ़ती है या कम होती है, यानी कि रफ्तार में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सर आइज़ैक न्यूटन ने कहा कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। और दूसरी बात क्या बोली कि जो फोर्स और एक्सेलरेशन होता है उसका सेम डायरेक्शन होता है। अब तीसरी बात है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने पहले चैप्टर में नहीं बल्कि दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरम्यान अगर ऐसा ताल्लुक होता है कि अगर आप एक को बढ़ा दें और दूसरी भी बढ़ती है, या एक को कम करें तो दूसरी भी कम होती है, सेम। अगर एक एक को आपने इंक्रीज किया है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अपोजिट जो होता है, अगर आपके एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा कम हो जाए, या एक को कम कर रहा है तो आपने दूसरा काम होने के बजाय बढ़ जाए, उल्टा काम हो रहा है, तो इसको आप कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो बातें जरा पहले दूसरे चैप्टर से थी जो ध्यान में रखनी थी। अब सर आइज़ैक न्यूटन ने क्या कहा आगे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक को बढ़ाओ दूसरी भी बढ़ेगी, सही बात है। अगर आप फोर्स को बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा रफ्तार आएगी, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। आपने 10 न्यूटन लगाई फोर्स, थोड़ी सी एक्सेलरेशन आई। आपने 1000 न्यूटन लगाई, अब ज्यादा फोर्स लगाई आपने तो अब गाड़ी तेज जाना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में एक शख्स धक्का लगा रहे हैं, हल्की सी स्पीड आ रही होती है, और 1000 बंदे मिलकर धक्का लगाना शुरू कर दें, अब गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाती है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ गया। ठीक है, तो जितना एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा उतना ही फोर्स बढ़ता है। आप एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम कर दें फोर्स कम हो जाएगी, इसको आप कहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सर आइज़ैक न्यूटन ने क्या कहा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आखिरी पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास से एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उल्टा। यानी अगर ज्यादा मास है कम रफ्तार आएगी, कम मास है तो ज्यादा रफ्तार आएगी। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि आप ट्रक को धक्का लगाओ, साइकिल को धक्का लगाओ। अब क्योंकि आप धक्का लगा रहे हो इसका मतलब है एक जैसी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप ट्रक को लगाने, ट्रक पर जब आप धक्का लगा रहे हो सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब आप साइकिल को धक्का लगा रहे हो उतनी ही फोर्स लगा रहे हो। लेकिन क्या होगा कि साइकिल में रफ्तार ज्यादा आ जाएगी, ट्रक में रफ्तार कम आ पाएगी। मास, आपका साइकिल का मास कम था तो एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हो गया, साइकिल आपकी भाग रही है, और ट्रक का मास ज्यादा था तो एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ, ट्रक हल्का हल्का चल रहा है। आपके पास एक खाली ट्रक चल रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, आपने उस ट्रक को लोड कर दिया, ज्यादा सामान भर दिया, मास बढ़ा दिया उसका, उसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है, नहीं उसकी स्पीड कम हो जाती है। आप पैदल चल रहे हो, आपकी स्पीड ज्यादा होगी, आपके ऊपर मैं बोरियों की बोरियां डाल दूं, बच्चे आपके कंधों पे बैठ जाए, आपका मास बढ़ जाएगा, तो आपकी रफ्तार और ज्यादा हो जाएगी, नहीं आपकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। तो मास का ये एक्सेलरेशन से इनवर्सली रिलेशन होता है। मास अगर आप बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन कम होता है, इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये चार मोटी बातें बताई गई हैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले लॉ के अंदर आपको सर आइज़ैक न्यूटन ने बताया फोर्स क्या होती है, इनर्शिया क्या होती है, और दूसरे लॉ के अंदर आपको सर आइज़ैक न्यूटन ने फोर्स के बारे में और डिटेल दी। क्या पहली चीज के फोर्स जब आप लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, और दूसरी चीज कि फोर्स और एक्सेलरेशन की एक ही जैसी डायरेक्शन होती है, तीसरी ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ये फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है,
और आखिरी चीज, एक्सेलरेशन जो है वो मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा, यानी मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। अब आपको ये भी हमने दूसरे चैप्टर में सिखाया था और कहा भी था कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम इस डायरेक्टली और इनवर्सली वाली बातों से इक्वेशंस बनाते हैं। तब हम ये करते हैं जी, ये तो वही आ गई जी, एक्सेलरेशन अगर आपकी, आप फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, और अगर आपने मास कम कर दिया तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। तो अब हमने इक्वेशन बना लेते हैं ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली बातों से। सबसे पहले आपको पता है जी, थर्ड बात क्या आती, देख ले चाहे तो एक दफा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपको याद होगा एल्फा सा होता है, तो इसको हमने स्टेटमेंट में लिख दिया, ये एक्सेलरेशन, ये जो एल्फा साइन है इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये एफ मतलब फोर्स। तो ये वो तीसरी वाली बात लिखी है मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसी तरह चौथी बात क्या आती है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, एल्फा ही डालते हो, लेकिन तो दूसरी क्वांटिटी उसको रेसिप्रोकल कर देते हो वन अपॉन करके। तो अब ये हो गई एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, ये हो गई एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये वही आखिर की दो बातें, उनको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो आपके पास ये एफ है, ये ए, और ये ए तो आपके पास सेम आ गया, और राइट साइड पे एफ है और वन अपॉन एम है, वन तो आप लिखते नहीं हो तो एफ वन जा एफ आ गया ऊपर, एफ अपॉन एम। तो आपने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ए आ गया, राइट साइड पर आपने एफ को वन से मल्टीप्लाई किया, एफ वन जा एफ अपॉन एम। फिर हमने देखा था, पढ़ा भी है ये, कि अगर हमें इस एल्फा साइन को खत्म करना होता है, इज इक्वल टू लाना होता है, तो फिर हम इज इक्वल टू के साथ साथ एक के यानी कॉन्स्टेंट लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यही मैंने यहाँ पे किया है, एल्फा साइन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और इसकी जगह क्या लिख दिया, इज इक्वल टू और के मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम क्या करते हैं जी, के को हम कह लेते हैं वन है, तस्वुर कर लेते, सपोज कर लेते, क्योंकि फोर्स एक बहुत बड़ा टर्म होता है, हर जगह पर हम के की अलग अलग वैल्यू नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा जगहों पे फोर्सेस मौजूद होती है, तो इसलिए हम के को एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे। कैसे, के को हमने वन के बराबर मान लिया, और अब के जो है वो वन के बराबर, और वन आपको पता है जी, वन लिखते नहीं है हम मैथमेटिक्स में, हम वन को इग्नोर कर देते हैं, लिखते नहीं है। तो हमने ये के को वन के बराबर किया और वन हमने नहीं लिखा, तो अब आपके पास क्या बच गई, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब ये m जो है मास डिवाइड हो रहा है फोर्स के साथ, इसको आप a के पास ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया m और a, और दूसरी तरफ आपके पास f बच गया, तो f इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो आपने देखा पहले लॉ की मदद से सर आइज़ैक न्यूटन ने आपको बताया फोर्स क्या है, और दूसरे लॉ की मदद से सर आइज़ैक न्यूटन ने आपको तीन बातें बता दी, पहली फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पैदा करती है, दूसरी वो जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है उसकी और फोर्स की डायरेक्शन एक जैसी होती है, और तीसरा फोर्स को मालूम करने का फॉर्मूला आपको दिया, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काफी बड़ा था, आपको सर आइज़ैक न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पहली बात बताई कि जी आप जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, और ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है इसकी फोर्स वाली ही डायरेक्शन होती है, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास। तो ये जो आखिर की दो बातें कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, आपने इन दो के जरिए फोर्स का फॉर्मूला बना लिया, और वो क्या निकला, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमने याद भी किया शुरू के अंदर। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमारे पास आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले लॉ से आपको फोर्स के बारे में पता चला, इंट्रोडक्शन, दूसरे लॉ से आपको फोर्स का फॉर्मूला और फोर्स की मजीद डायरेक्शन एक्सेलरेशन ये सब और ज्यादा डिटेल्स पता चले। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा है तो बड़ा सिंपल था, लेकिन पूरी फिजिक्स में बड़ा काम का होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इतना छोटा सा, हर एक्शन का बराबर लेकिन उलट रिएक्शन होता है। उर्दू में मायने क्या है, हर एक्शन का, फॉर एवरी एक्शन यानी हर एक्शन का बराबर लेकिन उलट रिएक्शन पैदा होता है। आप अगर रोड पे किसी को एक थप्पड़ लगा दे, क्या होता है जी, वो शख्स भी आपको वैसे ही थप्पड़ मार देता है, लेकिन बस यानी इक्वल है, आपने जितनी ताकत का मारा उसने भी उतनी ताकत का मारा, बस डायरेक्शन अपोजिट है, आपकी डायरेक्शन थी उसकी तरफ और उसकी डायरेक्शन थी आपकी तरफ। ये क्या था, एक्शन का रिएक्शन, जो बोगे वो काटोगे,
तुमने उसके मारा, उसने तुम्हें मारा। ये हाल होता है, आप दीवार पे जब बॉल मारते हैं, आपके हाथ में किरमिच की बॉल है, आपने दीवार पे उसको मारा, तो वो क्या होता है जी, पलट के दीवार आपकी तरफ वापस फेंक देती है बॉल। आपने दीवार पे मारी, दीवार से जैसी टकराती है तो फिर बॉल जो है दीवार से वापस आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। जितनी ताकत से आपने मारा उतनी ही ताकत से आपकी तरफ वापस आती है। एक्शन का रिएक्शन बस डायरेक्शन अपोजिट है। आपने अगर थोड़ी सी फोर्स लगा के बॉल मारी थी, थोड़ी सी फोर्स के साथ बॉल वापस बाउंस होकर आपकी तरफ आ रही है। आपने बहुत ज्यादा तेज लगाई थी फोर्स, बहुत ज्यादा तेज होकर वापस आ रही है। तो जब आप बॉल फेंकते हो, ये एक्शन हो गया, जो वापस आ रहा है वो रिएक्शन है। सिर्फ डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है, बाकी आपकी क्वांटिटी सेम है। इसे कहते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मूवमेंट, कि जब भी हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, खैर अगर हम यहाँ पर तो चूंकि फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम फोर्स की ही रख लेते हैं स्पेसिफिक, कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी चीज पर फोर्स लगाएंगे ना, उतनी ही तादाद उतने ही मैग्नेट्यूड की, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी उल्टी डायरेक्शन की एक हमें फोर्स लगती है। इसको हम कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। अगर आप एक दीवार पे अपने हाथों से फोर्स लगा रहे हो तो दीवार भी आप पर एक फोर्स लगा रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, लेकिन दोनों फोर्सेस बराबर होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर आप अपने हाथ से टेबल पर हाथ रखे और दबाना शुरू कर दें टेबल को, तो टेबल भी आप पर एक ऊपर की तरफ उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, सेम क्वांटिटी की होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये एक्शन का रिएक्शन होता है। आप देखें, कॉमन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम बुलेट गन पे से जब हम गोली चलाते हैं तो ये गोली यूं जा रही है, ये एक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में आपकी गन पीछे जाती है, ये रिएक्शन हो गया। जितनी ज्यादा स्पीड से गोली निकलेगी उतनी ज्यादा स्पीड से आपकी गन जो है वो रिबाउंड होती है, पीछे जाती है, इसको रिकॉइल कहते हो आप। हो रहा है ना एक्शन का रिएक्शन, जब तक ये गोली नहीं निकली थी तब तक ये गन पीछे नहीं हुई थी, जैसे ये एक्शन हुआ इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से बुलेट आगे जा रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से गन पीछे जा रही है। एक और एग्जाम्पल लेते जी, तो मैंने अभी आपको बताई है कि आप जब दीवार पे बॉल मारते हो तो बॉल आपके पास वापिस आती है, जो आपने दीवार की तरफ मारी बॉल, तो आप इसको कह लें कि आपने फोर्स लगाई थी बॉल पे जिसकी वजह से दीवार पे टकराई, दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाई बॉल आपकी तरफ वापिस जा रही है, आपने बॉल पे फोर्स लगाई दीवार की तरफ गई, दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाई बॉल आपकी तरफ आ रही है। एक्शन रिएक्शन, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। देखो एक्शन की डायरेक्शन ऐसे हो गई, रिएक्शन की डायरेक्शन उल्टी हो गई। बाकी आप जितनी ताकत लगाओगे दीवार उतनी ही ताकत से आपको बॉल वापस फेंकती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास बलून है, बलून के अंदर हवा भरी है, अब आप एकदम बलून को खोल दो, नीचे की तरफ हवा आना शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ हवा लगती है, अब ये नीचे हवा जो लगा रही है फोर्स लगाना शुरू कर देती है, हवा एकदम नीचे आ रही है ना, एक नीचे की तरफ फोर्स लगना शुरू हो गई नीचे की डायरेक्शन। थर्ड लॉ के मुताबिक अपोजिट फोर्स भी पैदा हो जाएगी, तो आपकी एक अपोजिट फोर्स उल्टी ऊपर डायरेक्शन में लगना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपका बलून ऊपर जा रहा होता है। हो गया ना एक्शन का रिएक्शन। तो जब भी आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे, जब भी, अब ये एक एग्जाम्पल है, हमने इस टेबल पर एक किताब रखी हुई है, हमें लगता है ना किताब, अगर हमने कोई किताब रखी हुई है टेबल पर तो वो कोई भी फोर्स नहीं लगा रही, ऐसा नहीं है, फोर्स लग रही होती है, बस वो बैलेंस हो जाती है। अब सपोज करो जी आपकी किताब है आपकी टेबल पे रखी हुई, अब आप जानते हो पढ़ भी चुकी, नहीं पढ़े तो नहीं, अभी आपने पढ़ेंगे वेट के बारे में, तो अभी वेट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जहन में ये रखें कि ये आपकी किताब है, इसकी इस पर एक फोर्स लग रही होगी जो अर्थ लगाती है, इसको हम कहते हैं वेट, नीचे की तरफ। ये अभी हमारे चैप्टर में आएगा, हम जरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये किताब है आपके पास या कोई बॉक्स है जो टेबल पे रखा हुआ है, इसको अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स लगा के खींच रही है, जिसको हम कहते हैं वेट, नीचे की तरफ। अब मैंने आपको थर्ड लॉ में क्या बताया कि जब भी फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा हो जाती है, तो अब यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, तो अब एक ऊपर की तरह ऊपर की तरफ टेबल फोर्स पैदा कर देगी, टेबल जो है अब इस बुक के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाने शुरू होती है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो ये एक्शन डब्ल्यू एक्शन है, एन रिएक्शन है, ये दोनों बराबर होती है, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो एक दूसरे को काट देती है, क्योंकि एक को अगर आप प्लस कह लोगे दूसरी माइनस, तो एक दूसरे को काट देती है, इसलिए आपके पास कोई फोर्स नहीं बचती और आपका ये डब्बर रुका हुआ होता है। तो इस लॉ को, इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वेट और टेंशन को पढ़ेंगे। बस अभी एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जब भी कोई फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स पैदा होती है,
उस अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन, और जो हमने फोर्स लगाई है वो एक्शन है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पैदा हुई है वो रिएक्शन है। ये एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस होती है ये बराबर होती है मैग्नीट्यूड के एतबार से, यानी अगर एक्शन 10 न्यूटन है तो रिएक्शन भी 10 न्यूटन होगा, अगर एक्शन 50 न्यूटन है तो रिएक्शन भी 50 न्यूटन होगा, मैग्नीट्यूड के एतबार से बराबर होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक की डायरेक्शन राइट है तो दूसरी की लेफ्ट, एक की अप है तो दूसरी की डाउन, एक की प्लस है तो दूसरी की माइनस, तो -10 + 10 0। तो अगर आपके पास ये W10 है तो न्यूटन ये एन जो है रिएक्शन ये भी 10 है, ये 10 न्यूटन। बस डायरेक्शन को हम साइन में फिर लेकर जाते हैं, तो ये +10 कहलाएगा, ये -10 कहलाएगा, +10 - 10 कट जाता है 0 हो जाता है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट रुका होगा। तो ये एक ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है उसको आप रिएक्शन कहते हो। ये जो एक्शन और रिएक्शन होती है ये मैग्नीट्यूड के अतबार से सेम होती है, डायरेक्शन के अतबार से अपोजिट होती है, इसको आप कहते हो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये इक्वल कह रहे हैं हम इन मैग्नीट्यूड, ये तो इक्वल वर्ड है, ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड, और अपोजिट का मतलब हो गया डायरेक्शन उल्टा, ये डायरेक्शन के हवाले से अपोजिट है, मैग्नीट्यूड के हवाले से ये इक्वल है। अब आगे जो है, आगे हमारे पास जो है